हेलो दोस्तों, आज हम एक रोचक और मजेदार प्रयोग देखने वाले हैं जिसका नाम है फिज इन्फ्लेटर। इसके लिए हमें एक प्लास्टिक की बोतल की जरूरत है, एक बलून या गुब्बारे की जरूरत है, विनेगर की जरूरत है और बेकिंग सोडा या मीठा सोडा की जरूरत है और एक पेपर फनल की जरूरत है। जो पहला स्टेप है उसमें हमें विनेगर को सावधानी से प्लास्टिक के बोतल के अंदर डालना है। दूसरे स्टेप के लिए हमें फनल के मदद से बेकिंग सोडा को बलून के अंदर सावधानी से डालना है। अगले स्टेप के लिए हमें बलून को, जिसके अंदर बेकिंग सोडा है, सावधानी से बोतल के मुंह के ऊपर रखना है ताकि जो बेकिंग सोडा है वो बोतल के अंदर ना गिर जाए। जो आखिरी स्टेप है उसमें हमें बस बलून को उठाना होगा ताकि उसके अंदर जो बेकिंग सोडा है वो विनेगर के अंदर गिर जाए। और अब देखते हैं ये करने से क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो जो बेकिंग सोडा है दोस्तों, वो एक बेस है और जो विनेगर है वो एक एसिड है। तो इनके मिलावट से क्या होता है, एक एसिड बेस रिएक्शन होता है और इसके कारण एक गैस उत्पन्न होता है। इस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस गैस उत्पन्न होने के कारण वो क्या करता है, वो गैस वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, मतलब फैलने की कोशिश करता है। और वो क्या करता है, पूरे बलून और बॉटल में फैल जाता है, उसके कारण बलून भी फूल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये प्रयोग अच्छा लगा। फिर अगले बार मिलेंगे।